देखिए, जब हम लिखते पढ़ते हैं, बात करते हैं, और खास तौर से इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस या फ्रेजेस सामने से गुजरते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका क्या लिटरेरी डेफिनेशन है, तो उसी के बारे में ये वर्ड है, एनाडिलोप्सिस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। समझिए इस शब्द को कि ये शब्द जो है एनाडिलोप्सिस, ये ग्रीक शब्द से बना है। अना का मतलब होता है ऑन या अपॉन, डिप्लस का मतलब होता है डबल। तो कुल मिलाकर के समझिए कि डबलिंग और फोल्डिंग अप अ वर्ड इज कॉल्ड एनाडिप्लोसिस। हम जब किसी वर्ड को दो बार यूज करते हैं, रिपीट करते हैं किसी सेंटेंस में, तो उसी को हम एनाडिप्लोसिस बोलते हैं। किस तरह से करते हैं वो आगे जानेंगे। तो कुल मिलाकर के समझिए कि जब भी हम बात करते हैं, लिखते पढ़ते हैं, तो जो लास्ट वर्ड है या लास्ट वर्ड्स हैं, मतलब या तो एक वर्ड हो सकता है या दो वर्ड हो सकते हैं, मतलब कई वर्ड्स हो सकते हैं, एक से दो वर्ड भी हो सकते हैं, जब वो दूसरे सेंटेंस के या दूसरे फ्रेज में हम रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, उसी को हम एनाडिप्लोसिस बोलते हैं। और किस लिए हम रिपीट करते हैं? जोर डालने के लिए या स्पेशल इफेक्ट पैदा करने के लिए, बातचीत में जान पैदा करने के लिए, मतलब बात करने का वो अंदाज, लहजा या बात करने का एक ढंग है जिसमें एक वाक्यांश के अंतिम शब्द को दूसरे वाक्यांश के आरंभ में दोहराया जाए, उसी को हम एनाडिप्लोसिस बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? और ये हम कहां पर प्रयोग करते हैं? ये हमारे हर उन चीजों में प्रयोग होता है जिसको हम बोलते हैं लिटरेचर, फिल्म, ड्रामा, मूवी, सीरियल, कहीं भी हो सकता है, आम बोलचाल में हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि इफ यू वेस्ट योर टाइम विल वेस्ट यू। मैंने जैसा कि डेफिनेशन दिया था कि जैसे कि एक क्लॉज है, इफ यू वेस्ट योर टाइम, सेकेंड क्लॉज है, योर टाइम विल वेस्ट यू। तो देखिए, योर टाइम लास्ट में आ रहा है और लास्ट वाला रिपीट हो जा रहा है फर्स्ट में, योर टाइम विल वेस्ट यू। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि बोलेंगे कि वेन यू लव देन लव विथ ऑल योर हार्ट। जब आप किसी से प्यार करें, मोहब्बत करें, तो अपने दिलो जान से प्यार करें, मोहब्बत करें। तो देखिए यहां पर भी रिपीट हुआ है। क्या रिपीट हुआ है? लव, लास्ट वाला लव। तो दो बार यहां पर लव रिपीट कर रहा है। इसी तरह से और भी देख लेते हैं कि हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन। अब देखिए यहां पर स्ट्रॉन्ग मैन रिपीट कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स। अब देखिए यहां पर रिपीट कर रहा है, गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन एंड वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम्स। तो इस टाइप से जो सेंटेंसेस आएंगे कहीं भी आपको दिखेगा, तो आप उसको एनाडिप्लोसिस बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब इंग्लिश लिटरेचर में समझते हैं। जैसे इंग्लिश लिटरेचर में भी सेम वही चीज है जो मैंने आपको बताया है। इंग्लिश लिटरेचर में इसको बोलते हैं रेटोरिकल डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच, जहां पर के लास्ट वर्ड या वर्ड्स रिपीट करें। किस लिए रिपीट करें? जो मैंने आपको बताया, जोर डालने के लिए, तो उसी को हम बोलते हैं एनाडिप्लोसिस। एग्जाम्पल देखते हैं इंग्लिश लिटरेचर में कि आवर डॉट इज आवर पैशन एंड आवर पैशन इज आवर टास्क। ये ग्रेट नॉवेलिस्ट हेनरी जेम्स थे, उनका ये कॉल है, उनका ये कोटेशन है कि आवर डॉट इज आवर पैशन इज आवर टास्क। तो इंग्लिश लिटरेचर में आपका इस टाइप से एग्जाम्पल्स कई तरह से आपको कई जगह पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद आपने एनाडिप्लोसिस शब्द को इंग्लिश और हिंदी में और एग्जाम्पल के साथ में आम बोलचाल में इंग्लिश लिटरेचर में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेयर डेस्क।